दोस्तों एक बार फिर से आपका नए वीडियो नए टॉपिक पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जयपुर एआरओ की भर्ती कहाँ होगी और किस ग्राउंड में हो रही है, साथ ही साथ आपने थंबनेल पे देखा सीकर जिला स्टेडियम के बारे में। अभी प्रेजेंट में भर्ती करंट में सितंबर में भर्ती है, तो अभी क्या माहौल चल रहा है आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये सीकर स्टेडियम का पूरा ग्राउंड है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। बहुत से कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे और प्लस यूट्यूब पे कि हमें हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि अगर आपका होम ग्राउंड पे टाइम अगर 5 मिनट आता है, अगर आप जिला स्टेडियम में आकर देखो तो 5:15, 5:10 टाइम आएगा। तो बच्चे पूछ रहे रीजन क्या है और प्रेजेंट में जिला स्टेडियम का माहौल क्या चल रहा है, कितने कैंडिडेट दौड़ रहे हैं और कितना कंपटीशन हो सकता है, कितने एक अच्छा टाइम आ रहा है, तो सारी जानकारी बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रही। अच्छा बढ़िया माहौल आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये जिला स्टेडियम का पूरा रूबरू दोनों साइड आपको दिखाई दे रहा है, जिला स्टेडियम का है जिसमें सुबह शाम अच्छी बढ़िया ताबड़तोड़ मेहनत चलती है। सारे बच्चे कैंडिडेट बाहर से भी रहते हैं, डिफेंसों में रहते हैं, 4-5 डिफेंस आती है, जो भी डिफेंस है वो सारे डिफेंस वहाँ आती है, प्लस जो भी बच्चे रूम पे रहते हैं वो भी वहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं। तो मैं बता दूँ जयपुर एआरओ की सीकर नोटिफिकेशन आउट हुआ था फिजिकल का, उसमें यही लिखा है कि जयपुर एआरओ की भर्ती सीकर में होगी। अब सीकर में कहाँ होगी ये मैं बता दूँ, 99% चांस बता दूँ जिला स्टेडियम सीकर में होगी, क्योंकि 2019 में कोरोना से पहले जो भर्ती हुई है वो जिला स्टेडियम सीकर में हुई, 2019 में एक बार जनवरी में हुई थी, एक बार अक्टूबर में हुई थी, जो कि पहले रनिंग होती थी अग्निवीर से पहले का प्रोसेस बता रहा हूँ। इसमें राजस्थान का सबसे हार्ड ग्राउंड माना जाता है सीकर जिला स्टेडियम को, क्योंकि इसकी चढ़ाई थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही है, बार बार आपको दोनों साइड से कर्वे दिखाई दे रहे हैं, जूम आउट इन करके दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये चढ़ाई है जो आपका ग्राउंड का दिख रहा है, 400+ मीटर का ग्राउंड पड़ता है, तो इसमें आपको चढ़ाई थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, लास्ट में आप 400 मीटर का रिपेटेस 400 मीटर बचता है ट्रैक पे, थोड़ा सा हार्ड सरफेस पड़ता है, इस कारण से आपका ये ग्राउंड है तो आपको बार बार जूम आउट इन करके दिखाया जा रहा है, इस कारण से आपको बार बार ये दिखाया जा रहा है क्योंकि ये चढ़ाई है लास्ट की थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, इस कारण से सीकर जिला स्टेडियम को हार्ड ग्राउंड बोला जाता है, सबसे राजस्थान का टॉप ग्राउंड हार्ड ग्राउंड बोला जाता है, राजस्थान का सबसे हार्ड ग्राउंड। इसलिए मैं बार बार जो भी बच्चे जयपुर एआरओ से हैं, नीमका थाना है, कोटपुतली है, जो भी जयपुर की तहसील के जो भी कैंडिडेट है उनको मैं बता दूं, आपको सीकर जिला स्टेडियम में आकर अभी आपका टाइमिंग चेक करना चाहिए या लास्ट के एक मंथ में अपना प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि मेरी औकात कितनी का, मतलब मैं अपनी खेते ना कोई भी चीज़ करते उसका परीक्षा लेना जरूरी है, जो भी आपका फिजिकल एक्टिविटी कितने भी दिन उससे पहले आपका फिजिकल मतलब अपने आप का टेस्ट कीजिए कि मैं कितनी काबिलियत अंदर मैं कितना कर पा रहा हूँ, तो वही है, तो उसके लिए आप अपना आपका टाइमिंग दीजिए, मंडे को आपका टाइमिंग चलता है लगभग डिफेंसों का, तो वहाँ अगर अपना टाइमिंग देख सकते हैं तभी आपको पता लग पाएगा। ये आपको जो बार बार दिखाया जा रहा है इधर चढ़ाई की और पूरा ये 400 मीटर का ट्रैक पीछे दिखाई दे रहा है, ये पूरा 400 मीटर का ट्रैक है और जिला स्टेडियम आपको नाम दिखाया जा रहा है सामने, जिला स्टेडियम नाम यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और जहाँ पे मैं अभी कैमरा शूट किया हुआ है, जो वीडियो शूट किया हुआ है इस ग्राउंड का, यहाँ से सामने की सीढ़ियाँ जाती है, इसके जस्ट सामने सामने जिला स्टेडियम नाम लिखा हुआ है जो पीछे आपको दिखाई दिया होगा बार बार में, वहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, वहाँ से आपको गो बोला जाएगा। बहुत से कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि 200 मीटर का सूट होगा कि नहीं, जब से कोरोना काल में अग्निवीर का सिस्टम लागू है तब से मतलब सूट नहीं हो रहा है, 200 मीटर का सूट कुछ आपको लाइनिंग से बिठाया जाएगा, 10-10 की लाइनिंग से बिठाया जाएगा और एक हाथ का आपके अंदर बीच में गैप रहेगा, तो सूट की बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना तो आप जहाँ भी प्रैक्टिस करो धीरे धीरे भर्ती नजदीक आ तो बच्चे दर्द के शिकार ज्यादा, मतलब सीन पेन है, इंजरी के शिकार ज्यादा, लिगामेंट की समस्या मतलब जो होती है ना चोट कहते हैं ना इंजरी हो गई दर्द हो गया, दर्द के शिकार ज्यादा हो रहे भाइयों, स्ट्रेचिंग और कूल डाउन और प्रॉपर वर्कआउट कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, तब आपकी ये शिकायत नहीं आएगी, वरना आपकी ये शिकायत आती रहेगी प्रॉपर मात्रा में बता रहा हूँ। अगर प्रॉपर मात्रा में डिसिप्लिन में वर्कआउट करोगे, डिसिप्लिन में आप रेस्ट करोगे, डिसिप्लिन में आप डाइट प्लान लोगे, तो आपका जो रेगुलर आप जो करते हो उसका रिजल्ट बहुत सुपर आएगा। एक मैंने जूतों से रिलेटेड वर्कआउट से रिलेटेड सारी वीडियो डिटेल वाइज डाले, लगभग वीडियोज़ की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको जाकर बिल्कुल विजिट कीजिए, देखिए और जो बताया है वो फॉलो कीजिए, सीन पेन किस कारण से होता है और जो वर्कआउट करते किस टाइप का करना है, एबीसी ड्रिल मारनी है और कूल डाउन है,
रनिंग से पहले वार्म अप किस प्रकार से करना है, लाइव में आके सारी प्रोसेस बताई हुई है वो सारी फॉलो कीजिए, बिना डिसिप्लिन के बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। मैं जिला स्टेडियम का मैंने बता रहा हूँ, जयपुर यारो जो भी कैंडिडेट देख रहा है उनकी भर्ती सीकर स्टेडियम में होगी, जो कि राजस्थान का सबसे टॉप ग्राउंड हाउंड ग्राउंड मान दी, बार बार आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा 400 मीटर का ट्रैक है, बढ़िया माहौल चल रहा है पूरा, शाम का ये शाम का शूट किया हुआ है जो ग्राउंड पे आपको दिखाई दे रहा है पीछे में, ये शाम का शूट किया हुआ है जिसमें अच्छे सारे बच्चे आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। इतनी मात्रा में आपके इतने कैंडिडेट आते हैं, जो कि कुछ बच्चे वर्कआउट करके बाहर है, कुछ आएंगे, ये सारा बताया हुआ है। जो कैंडिडेट आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग डिफेंसों के अलग अलग पूरा मेला, मतलब कहते ना माहौल बन गया। अभी तो एक मंथ बढ़ा है ना, तो नज़दीक जैसे ही आएगी, जैसे जैसे नज़दीक आएगी भर्ती, वैसे वैसे और ज़्यादा माहौल बन जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सीकर स्टेडियम की कुछ भी आपको अपडेट चाहिए पल पल की तो जुड़े रहिए, आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए लॉन्ग वीडियो के जरिए आपको मिलती रहती है। और ये जो आप जिला स्टेडियम की बात कर रहे हो, तो जितना आप कमेंट करोगे उसके अनुसार मैं, ग्राउंड थोड़ा सा हार्ड है, आपके होम ग्राउंड से थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, जिस भाई को पता करना है वो आके अपना टाइमिंग देख के पता लगा सकता है, तो आपको पूरा पता लग जाएगा। जिला स्टेडियम के बारे में आज ये वीडियो बनाया हुआ था, सीकर जो सावड़ी रोड पे एकदम ऑन रोड पे पूरी आपको पीछे दिखाई दे रहा है, शॉर्ट वीडियो क्लिप आती रहती है, और जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा ये शाम का माहौल है, पूरा शाम का माहौल है, जो कि प्रैक्टिस टाइम चल रहा है, शाम का अच्छा मौसम हो रहा है, प्रैक्टिस टाइम का चल रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी बात करना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, अच्छा पिए और फिट रहिए। जय हिंद जय भारत। All my life holding all of it.